नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। साथियों, सरकारी कर्मचारियों के हक में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला हुआ है। बड़ी खुशखबरी है सरकारी कर्मचारियों को के लिए, क्योंकि पुरानी पेंशन को लेकर के ये बड़ा फैसला जो है हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। इसमें 2004 से पहले जितने भी सरकारी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं लेकिन बाद में नियमित हुए, सभी कर्मचारी जो हैं वो पेंशन के हकदार माने गए हैं। यानी इस हाई कोर्ट के फैसले में जितने भी 2004 से पहले नियुक्त होने वाले कर्मचारी हैं वो पेंशन के हकदार माने गए हैं, और इसी को लेकर के ये हाई कोर्ट ने बड़ा डिसीजन दिया है। क्या है पूरा अपडेट और किस तरह से ये हाई कोर्ट का फैसला जो है कर्मचारियों के पक्ष में हुआ है, जानेंगे इस वीडियो में पूरे अपडेट को, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। ये मामला जो है हाई कोर्ट के डिसीजन का, पुराने पेंशन को लेकर, ये मामला पंजाब का है। याचिका पर पंजाब सरकार की तरफ से ये दलील दी गई थी कि याचिकाकर्ताओं को नियमित करते हुए नियम व शर्तें रखी गई थी। शर्तों को पढ़ने व अपनाने के बाद वे अब इससे मना नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो याचिका लगाई गई थी तो उसमें जो है पंजाब सरकार की तरफ से भी दलील दी गई थी, तो उसी को लेकर के ये हाई कोर्ट ने जो है कर्मचारियों के पक्ष में डिसीजन दिया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई कर्मचारी 2004 से पहले नियुक्त हुआ है तो भले ही वह स्थिति के बाद नियमित हुआ हो, वह पुरानी पेंशन योजना का हकदार माना जाएगा। यानी जो 2004 से पहले जितने भी कर्मचारी नियुक्त हो चुके हैं वो सभी पुरानी पेंशन के हकदार हैं, ऐसा जो ये फैसला हाईकोर्ट की तरफ से दिया है। हाईकोर्ट ने पंजाब के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की ओर से दाखिल की गई याचिकाओं को स्वीकार करते हुए पंजाब सरकार को इन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ जो है 4 माह में जारी करने का आदेश दिया है। यानी पुरानी पेंशन योजना जो सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में, इसको लेकर के जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उसमें जो पिछले 4 माह के जो भी लाभ हैं वो सभी जारी करने का आदेश जो है पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। याचिका दाखिल करते हुए सुरजीत सिंह व अन्य ने एडवोकेट रंजीवन सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट को ये बताया कि उन्हें पंजाब के विभिन्न विभागों, बोर्ड, कॉरपोरेशन आदि में कच्चे कर्मचारी के तौर पर नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति 2004 से पहले हुई थी लेकिन उन्हें नियमित 2004 के बाद किया गया था। तो ये दलील जो है कर्मचारियों की तरफ से दी गई थी, याचिका लगाई गई थी, जिसमें उनकी नियुक्ति 2004 से पहले होना बताया गया लेकिन उनको नियमित जो है 2004 के बाद किया गया था। तो इसी को लेकर के जो है ये फैसला याचिकाओं के ऊपर दिया गया है। याची ने बताया कि राज्यों में 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम को अपनाया था और याचिकाकर्ताओं को भी इसी स्कीम को अपनाने की शर्त पर नियमित किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने नियमित होने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का निर्देश जारी करने की अपील की थी। हाई कोर्ट ने जनवरी 2023 में याचिकाओं का निपटारा करते हुए पंजाब सरकार को इस मामले में निर्णय लेने का आदेश दिया था। इसके बाद सरकार की ओर से दावे को खारिज कर दिया गया था। पंजाब सरकार की ओर से ये दलील दी गई थी कि याचिकाकर्ताओं को नियमित करते हुए नियम और शर्तें रखी गई थी और इन शर्तों को पढ़ने व अपनाने के बाद वे इससे इनकार नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि हरबंस लाल व अन्य के मामलों में हाईकोर्ट पेंशन को लेकर स्थिति स्पष्ट कर चुका है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की अपील भी जो है पहले खारिज हो चुकी है। ऐसे में जब एक निर्णय पंजाब सरकार स्वीकार कर चुकी है तो वह सभी मामलों में उनको जो है ये किया जाना चाहिए। सरकार को कर्मियों को अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर जो है सरकार को नहीं करना चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाओं को मंजूर करते हुए पंजाब सरकार को 4 महीने में सभी याचिकाकर्ताओं को पुरानी पेंशन का लाभ जारी करने का जो है ये आदेश जारी कर दिया है। तो ये बड़ा आदेश और बड़ा डिसीजन जो है सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में पुरानी पेंशन को लेकर दिया गया है, जो कि काफ़ी जो है अच्छा माना जा सकता है। इससे जो है सभी कर्मचारियों के लिए जो है फ़ायदा होने वाला है। इस तरह से ये नया अपडेट था पुरानी पेंशन योजना को लेकर, हाईकोर्ट का जो फैसला दिया गया था उसे लेकर के। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस तरह के वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।